Good morning friends. In the last video you have learned functional structure and divisional structure, which depends on the nature and type of activities performed in an organization. Now, on the basis of relationship of employees in the organization, an organization may be classified into formal organization and informal organization. Now, what is formal organization? It refers to the organization structure which is designed by the management to accomplish the particular task. इसका मतलब formal organization एक ऐसा structure है जिसे top management decide करता है. इसमें हर employee की job position, authority, responsibility, accountability, relationship pre-decided होता है. सभी employees को एक particular task दिया जाता है जिसे उन्हें rules and regulations follow करते हुए पूरा करना है. इसमें दो एम्प्लॉयज का ऑफिशियल रिलेशन प्री डिसाइडेड होता है. द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज द स्ट्रक्चर इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर. इसका मतलब फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर यह दोनों ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स हैं. किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर या डिविजनल स्ट्रक्चर मिल सकता है. Now we see features. The first is reporting relationship are clearly defined. Formal organization में हर employee को पता होता है कि कौन उसका boss है और कौन junior. Superior subordinate relationship clear होती है. इससे उन्हें पता होता है कि उन्हें किससे orders या instructions लेने हैं और किसे report करना है, किसके सामने उन्हें अपनी grievances रखनी है. The second is created to achieve organizational objective. Formal organization top management decide करता है. Top management ही पूरी organization का goal decide करता है. उसी goal को achieve करने के लिए सभी employees साथ में मिलकर coordinated efforts करते हैं. So the third is coordinates efforts of various department. Functional structure में आपने देखा कि एक्टिविटीज फंक्शंस की बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. अब इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. इन डिपार्टमेंट्स के इंटीग्रेटेड एफर्ट्स की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है. द फोर्थ इज इंटेंशनली क्रिएटेड. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट इंटेंशनली और डेलिबरेटली. The fifth is places more emphasis on work than interpersonal relationship. Formal organization में ज़्यादा importance work को दिया जाता है. हमारा work किसी भी कीमत पर किसी भी हालत में accomplish होना चाहिए, जबकि employees के interpersonal relationship को ignore किया जाता है. आपका अपने बॉस के साथ या जूनियर के साथ कैसा भी रिलेशन हो, लेकिन आपको साथ में मिलकर काम करना ही पड़ेगा. उसी से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सर्व होगा. नाउ वी सी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इजीली फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज के बीच में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्लियर होता है. अब यदि कोई भी काम अच्छे से पूरा नहीं हुआ तो कौन सा एम्प्लॉय इसके लिए आंसरेबल है या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. द सेकेंड इज क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है. अब हर पर्सन को अपनी असाइन ड्यूटीज के हिसाब से वर्क करना है. द थर्ड इज यूनिटी ऑफ कमांड. सेकेंड चैप्टर में हमने प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड देखा, जिसका मतलब है एक सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर से ही ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए, जिससे यह सबऑर्डिनेट कन्फ्यूज ना हो. यूनिटी ऑफ कमांड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मल रिलेशनशिप लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो होता है. फोर्थ इज हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि फॉर्मल स्ट्रक्चर है तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो सकता है,
क्योंकि सभी को उस कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड एफर्ट्स करना है। फिफ्थ इज प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ऐसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज का बिहेवियर रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण प्रेडिक्टेबल है। नाउ वी सी डिसएडवांटेजेस। डिले इन एक्शन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लाइन ऑफ कम्युनिकेशन प्री डिसाइडेड होता है, उसे किसी भी केस में हम ब्रेक नहीं कर सकते। इसी कारण से मैसेजेस पास करने में डिले होता है, डिसीजन मेकिंग और डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन में भी डिले होता है। द सेकेंड इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। यहाँ सभी एम्प्लॉयज को रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं, इसे वह अवॉइड नहीं कर सकते। इससे एम्प्लॉयज इनिशिएटिव नहीं लेते और वह अपनी क्रिएटिविटी भी नहीं करते। द लास्ट इज इग्नोर्स ह्यूमन एलिमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी परफॉर्मेंस उसके स्टाफ मेंबर्स पर डिपेंड होती है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क और स्ट्रक्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है जबकि ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर किया जाता है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। It refers to network of social relations which emerges on its own due to formal roles and relationship among people. यानी किसी भी formal organization में informal groups अपने आप create हो जाते हैं। जब यह employees एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो इनका friend circle भी बन जाता है। सभी एम्प्लॉयज़ की कुछ सोशल नीड्स होती है, जैसे वे अकेले काम करना नहीं चाहते, उन्हें हर जगह कुछ फ्रेंड्स चाहिए ताकि वे कंफर्टेबल रहे, अपनी ड्यूटीज़ को इंजॉय करते हुए पूरा करें। जैसे कि यह एम्प्लॉयज़ का सेम इंटरेस्ट हो सकता है, यह एम्प्लॉयज़ का रिलीजियस इंटरेस्ट हो सकता है या फिर स्पोर्ट्स में ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसे ग्रुप्स आपको देखने मिलेंगे जो संडेज को क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करते हैं, साथ में मूवीज प्लान करते हैं। यह इनफॉर्मल ग्रुप्स आपको ब्रेक टाइम में ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। नाउ वी सी फीचर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यह इनफॉर्मल ग्रुप्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है जो अपने आप क्रिएट हो गया है क्योंकि इन एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड्स है। इनका नेचर, इनकी लाइकिंग, हॉबीज सेम है, इनका काम करने का तरीका सेम है या इनके ओपिनियंस मैच होते हैं, इसलिए इनमें फ्रेंडशिप हो गई है। द सेकेंड इज स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स। अब इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशंस फिक्स्ड होते हैं, वे ऑफ वर्किंग फिक्स्ड होता है, लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप्स में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होते। इनका ग्रुप नॉर्म्स की बेसिस पर ही बिहेवियर होता है। जैसे कोई ऑप्टिमिस्टिक ग्रुप हो सकता है या पेसिमिस्टिक ग्रुप हो सकता है या फिर बहुत ही एक्टिव ग्रुप होता है। जैसे एक ही क्लास में आपने बहुत सारे फ्रेंड्स के ग्रुप देखे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे उनका एक ग्रुप होगा, मिस्चीवियस स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होगा, जिन स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका एक ग्रुप होगा, यानी पूरा ग्रुप एक जैसा ही बिहेव करता है। द थर्ड इज फॉलो इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वे ऑफ कम्युनिकेशन फिक्स होता है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डेफिनेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता। यह इंडिपेंडेंट होता है, यानी कोई भी कभी भी सजेशंस दे सकता है, कोई भी कभी भी अपनी बात ग्रुप में रख सकता है। द फोर्थ इज इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली। यानी यह ग्रुप अपने आप कभी भी क्रिएट हो जाते हैं या फिर डिसॉल्व भी हो जाते हैं। जैसे दो मेंबर्स में यदि डिस्प्यूट अराइज हो गया तो यह ग्रुप डिसॉल्व हो जाता है, वे दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। इस इनफॉर्मल ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। नाउ वी सी एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट इज फास्टर कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मैसेज बहुत क्विकली ट्रांसमिट हो जाता है। कई बार मैनेजमेंट भी इमरजेंसी में इस इनफॉर्मल
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करता है। कभी कभी इंफॉर्मेशन इतनी छोटी है जिसके लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन लाइन यूज नहीं हो सकती, उस समय भी मैनेजमेंट इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करता है। आजकल सोशल मीडिया के कारण बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। द सेकेंड इज फुलफिल सोशल नीड्स। हर एम्प्लॉय की कुछ सोशल नीड्स बिलोंगिंगनेस नीड होती है। वह अपने वर्किंग प्लेस पर कुछ फ्रेंड्स चाहता है ताकि उसे जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिले और वह ऑर्गेनाइजेशन में कंफर्टेबल रहे। द थर्ड इज हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों ही उसका पार्ट हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। अब ये आपस में बिना किसी हेजिटेशन के प्लान्स पॉलिसीज डिस्कस कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। इससे उन्हें उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। नाउ वी सी दिस एडवांटेजेस। द फर्स्ट इज स्प्रेड ऑफ रूमर्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी मैसेजेस डिस्टॉर्टेड वे में पास ऑन होते हैं और यह पता ही नहीं चलता कि इसकी बिगनिंग कहाँ से हुई और इसमें एडिशन कहाँ हुआ या मैसेज कहाँ पर जाकर एंड होगा। इससे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट भी बहुत बार अफेक्ट होता है, टीम स्पिरिट भी अफेक्ट होती है। द सेकेंड इज रेजिस्टेंस टू चेंज। कभी कभी मैनेजमेंट कोई न्यू प्लान एंड पॉलिसी एडॉप्ट करना चाहता है, टेक्नोलॉजी चेंज करना चाहता है, लेकिन यदि इनफॉर्मल ग्रुप्स इसे अपोज करते हैं तो ऐसी प्लान एंड पॉलिसी को चेंज करना मुश्किल हो जाता है। जैसे ट्रेड यूनियन, सपोज वेजेस इंक्रीज करने के लिए स्ट्राइक करती है तो मैनेजमेंट के लिए यह बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वह ट्रेड यूनियन इस ग्रुप को कन्विंस करके वेजेस सेम स्केल पर रखे। द थर्ड इज प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। कई बार इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप नॉर्म्स होते हैं जिसे आप न चाहते वे भी चेंज नहीं कर सकते। सपोज आप ऐसे ट्रेड यूनियन का एक पार्ट है, एक वर्कर है, आप इस बात से सहमत नहीं है कि ट्रेड यूनियन को स्ट्राइक करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप इस ग्रुप नॉर्म को फॉलो करते हैं, इसे ब्रेक नहीं कर पाते, क्योंकि यदि आप ग्रुप के अगेंस्ट में गए तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। नाउ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कांट बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड। कोई भी मैनेजमेंट अपनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में से इनफॉर्मल ग्रुप्स एलिमिनेट नहीं कर सकता, इसलिए मैनेजमेंट को इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को फाइंड आउट करना चाहिए, इसके ग्रुप लीडर कौन है यह पता लगाना चाहिए। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे का यूज हो सकता है। अब यदि मैनेजमेंट को कोई प्लान एंड पॉलिसी अडॉप्ट करनी है तो वह इन ग्रुप लीडर्स को पहले कन्विंस करे तो यह इनफॉर्मल ग्रुप अपने आप कन्विंस हो जाएगा। मैनेजमेंट इन इनफॉर्मल ग्रुप्स का सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए भी ले सकता है, फास्ट कम्युनिकेशन के लिए भी ले सकता है। इस तरह मैनेजमेंट को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप्स का सपोर्ट लेना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।